फिर हम महादेव। अभी हमें द्वारका के पास में ये है अपना सुदामा द्वार, बस आप यहाँ वोटिंग वोटिंग कर सकते हैं। बस अभी हमने भी वोटिंग की, काफ़ी मजे लिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छी प्लेस है ये द्वारका मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर से कहा जाए। देखिए मैं हूँ भड़केश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर। नमस्कार, तब हम आ चुके हैं द्वारका में ही भड़केश्वर महादेव मंदिर। यदि आप द्वारका आए तो यहाँ ज़रूर आए। आप देख रहे हैं समुद्र की लहरें और मन करता है कि थोड़ी देर और हम यहाँ ठहरे, भगवान शिव भगवान शिव के लिए। और देखेंगे बहुत शानदार नज़ारा है, माफ़ खैर छोटी छोटी चीज़ें तो खैर हर जगह मिलती है, लेकिन जैसे यहाँ कुछ चीज़ें आपको यूनिक देखने को मिलेगी। देखेंगे तो पानी इस साइड बंदा गंदा पानी, इस साइड जो है साफ पानी। ये जैसा हम देख पा रहे हैं बड़ा भड़कते हुए हैं भड़केश्वर महादेव के यहाँ, बड़ा समुद्र भड़क रहा है। आप मजे मजे लेते हुए कितनी देर से हैं आप यहाँ पर? लगभग 15 मिनट से हैं। 15 मिनट से बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वैसे मैं भी उज्जैन से हूँ। हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। नमस्कार, तो अब शुरुआत होती है हमारे भेंट द्वारका के सफ़र की। और भेंट द्वारका के लिए आपको जो है कोई बस या आप ऑटो बुक कर सकते हैं, बसें रहेगी जो दर्शन करवाएगी आपको। तो आप शुरुआत करते हैं हम लोग जो है माँ रुक्मिणी के मंदिर से, ये पहला स्पॉट है। इसके बाद में फिर हम नागचंद्रेश्वर के मंदिर जाएंगे, उसके बाद जो है वो हम जाएंगे, फिर हम एक बोट के लिए छोड़ देंगे जहाँ से फिर हम भेंट द्वारका जाएंगे। तो ये माँ रुक्मिणी का मंदिर, ये माँ रुक्मिणी मंदिर में ऐसा रुक्मिणी पत्र क्या मिलता है। आप जो है ये मान्यता है कि ये पत्र जो है रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण को पत्र है। देखो प्रभु नहीं थोड़े हमें छह छूटा लिया। अब ये आ चुके हैं नागचंद्रेश्वर या नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। गुजरात में दो ज्योतिर्लिंग हैं, एक है सोमनाथ और से हैं नागेश्वर नागचंद्रेश्वर। तो ये भेंट द्वारका के सफ़र में ही एक बड़ा पड़ाव है। लाइन में लगे हुए हैं, ये पीछे आप विशाल प्रतिमा देख पा रहे हैं भगवान शिव की, और इस तरफ जो है
लास्ट 10 फुट का मंदिर है। वैसे यहाँ गुलशन कुमार का भी हमें जिक्र हुआ है क्योंकि उन्होंने शायद 5 करोड़ रुपए दान किए हैं, नया मंदिर हुआ है गुलशन कुमार के आशीर्वाद। आ चुके हम लोग ओखा, शहर का नाम है, इसका नाम है शहर का नाम ओखा है। यहाँ से बोट मिलेगी जो कि द्वारका जाएगी, बेट द्वारका जाएगी। देखिए यहाँ पे पुल भी बना हुआ है, ऐसा भी पुल चालू नहीं है। द्वारिकाधीश बेट द्वारका जाते हुए क्या भैया बजस बैक टू पवेलियन वापस बेट द्वारका से वापस जाते हुए। ये आपको ये बता देते हैं कैसे चलती है बोट, स्टीयरिंग है छाछ पीना है, छाछ पियेंगे। लो भैया छाछ देना, दो तीन देना,
तो ही देना भैया, दो छाछ मिलेंगे हम, मसाला छाछ सर। एक और दो भैया, एक और दो, नहीं आप लो, चलो ठीक है, टेस्ट करेंगे। ये लो 20 रुपये, हमारे पैसे ले लो, चलो टेस्ट करेंगे।